हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकारी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आपने यहाँ पे देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। दो तीन ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो हर कोई जानना चाहता है सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में, जैसा कि सौरभ जोशी कितना अर्न करता है पर मंथ और पर ईयर। अगर आप ये जानना चाहते हो और अगर आपको पता चल जाए तो यकीन मानिए, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपका एक मोटिवेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। और सेकंड क्वेश्चन की जो सौरभ जोशी ब्लॉग है, अभी हाल ही में उन्होंने जो है 7 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और सिर्फ 5 और 6 महीने के अंदर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले उनका चैनल बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा था, पर 5-6 महीने के अंदर उन्होंने जो है 7 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और इतनी जल्दी वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, एक जो की फैक्टर है उनके जो थंबनेल में आप देखोगे, उनके टाइटल में देखोगे, और उसे वो यूज कैसे करते हैं, मतलब कैसे सही से उसको प्रॉपर जो है अपने थंबनेल में, टाइटल में, हर जगह यूज करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम हाथ है इस चैनल का ग्रोथ होने में। तो क्या ये चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा है कि हम बात करने वाले सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। आपको पता होगा सौरभ जोशी जो अभी फ़िलहाल शिफ्ट हो चुके हैं हल्द्वानी, इससे पहले वो यहीं पे थे दिल्ली में, जो गुड़गांव की साइड फरीदाबाद में वो थे पहले, अब जो है शिफ्ट हो चुके। और हाल ही में कल के दिन ही उनके यूट्यूब चैनल पे जो है 7 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। पर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर, बहुत सारे रोस्ट वीडियो भी उन पर बन चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस उन पर बनते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जानना चाहोगे कि सौरभ जोशी जो ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, वो इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ कैसे कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके दो जो है मेन जो रीज़न है वो अगर मैं आपके डिस्कस करूँगा, तो सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, उनका चैनल ग्रोथ होना शुरू हुआ लॉकडाउन में। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक था वो चला गया, तो ये पहला ही कारण था। और दूसरा जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन जो एक वो करैक्टर प्ले करते हैं, उनके जितनी भी फैमिली है वो एक बहुत अच्छे से करैक्टर प्ले करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो यूट्यूब पे कहते हैं कि पीयूष जोशी जो है उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो हाथ कैसे है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी सौरभ जोशी का कोई भी वीडियो आता है उसका थंबनेल जो है पीयूष जोशी से रिलेटेड ज़रूर होगा। अगर उनके चैनल पे 600 वीडियो अपलोड है तो करीबन 550 वीडियो में आपको पीयूष का नाम ज़रूर वहाँ पे दिखेगा टाइटल में, और थंबनेल में भी पीयूष का आपको जो है रोल दिखेगा, उसका इमेज दिखेगी। और ये एक मेन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो रीजन है जिसकी वजह से सौरभ जोशी का चैनल ग्रो हुआ है। अगर आप सौरभ जोशी से रिलेट करते उसके सब्सक्राइबर, तो पहले वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सौरभ जोशी जो है उनके ब्लॉग को मैक्सिमम जो है छोटे बच्चे भी बहुत देखते हैं, और आप देखोगे बहुत सारे जो है छोटे बच्चे आते हैं उनसे मिलते हैं, पीयूष जोशी से ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए जो है बहुत जो छोटे बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली उनके हर ब्लॉग को देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी जो है होती है। और ये खुद जो है सौरभ जोशी ने भी माना है कि एक बहुत बड़ा जो एक पब्लिक है, ट्रैफिक आता है, उनके व्यूज़ आते हैं, वो जो है बच्चे जो है उनको ज़्यादा देखते हैं, और वो भी पीयूष जोशी को देखने के लिए। आप देखोगे अगर आप मुश्किल से 1 महीने की सौरभ जोशी की यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको पीयूष जोशी के थंबनेल दिखेंगे, ब्लॉग में टाइटल में पीयूष जोशी का ज़रूर दिखेगा। तो एक तो ये है, और दूसरा कि जब भी वो ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें जो है फ्रेंड्स उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा एक रोल होता है, हर कोई एक बहुत ही अच्छा करैक्टर वहाँ पे प्ले करता है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पीयूष जोशी को बताया है कि थंबनेल में पीयूष जोशी होता है, टाइटल में पीयूष जोशी होता है, पर पूरा हाथ जो है पीयूष जोशी का भी नहीं है। सौरभ जोशी जो है यहाँ पे उन करैक्टर को कैसे प्ले करवाना है, कैसे उन्हें दिखाना है, और कैसे एक इंटरेस्ट सा पूरे वीडियो में वो डाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से पीयूष जोशी और जो सौरभ जोशी चैनल है, यूट्यूब ब्लॉग जो है, आज जो है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग में है। अब फ्रेंड्स, एक जो सेकंड क्वेश्चन है कि आप ये जानना ज़रूर चाहोगे कि सौरभ जोशी जो ब्लॉग यूट्यूब चैनल है वो अर्न कितना करता है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है। फ्रेंड्स,
सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो यूट्यूब पे कोई अर्निंग कितना करता है, तो एक साइड है सोशल ब्लेड करके, अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे किसी भी यूट्यूबर का अगर आप नाम डालोगे तो उसकी पूरी जन्म कुंडली वहाँ पे आपको दिख जाएगी, कितने सब्सक्राइबर है, कितने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, पर मंथ वो कितने कमाता है, पर ईयर वो कितना कमाता है। तो फ्रेंड्स साइड में आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी, कुछ मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो। अगर सौरभ जोशी के पर मंथ की आप बात करें तो 77K मतलब 70,000K से 1,00,000 तक वो जो है पर मंथ डॉलर की बात मैं करूँ डॉलर अर्न करते हैं। अब आप इसे जो है 74 रुपये से जो आप इसे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो और देख सकते हैं कि पर मंथ जो है सौरभ जोशी कितना अर्न करता है। और अगर पर ईयर की आप बात करें तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर ईयर वो कितना कमाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। उनके चैनल पे जो पर डे वीडियो डालते हैं सिर्फ एक दिन में उनके चैनल पे 3 से 4 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। आप उसी वीडियो को 30 दिन में आप अगर देखोगे तो कितने ज़्यादा वहाँ पे व्यूज़ आएंगे और 30 दिन की वो कितनी अर्निंग होती वो मैंने आपको बता दिया। और पर ईयर की जो है आप सोशल ब्लेड पे जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया आप वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2, 3, 4 या फिर 5-6 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी पर ईयर अर्निंग है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है मैंने सही बात की है या फिर कुछ गलत बात की आप बिल्कुल कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक राय होती है, मेरी है आपकी कुछ अलग हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था, अगर आप यूट्यूबर हो तो आप भी अगर मेहनत करते हो कुछ चीज़ों को कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे उनको जो है करेक्टर प्ले करवाना है, तो अगर आप ये जान जाओगे तो आपका चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।